18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपको समझने की बात है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है टोटल मिला के इंडिया में, और जिसमें से 11 ऐसे हैं जिनको कि जो ये है आपका मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है वो रिकॉग्नाइज करता है, उसके लिए ट्रिक भी है, ये वाला मैंने बताया भी है वैसे अलग से, आपको याद होगा जिन लोगों ने जो रेगुलर फॉलो है उनको याद होगा। इसमें पहले मैप से समझने की कोशिश करते हैं फिर देखेंगे इसका वो, ठीक है, ट्रिक और बाकी सब चीजें। पहले मैप से इसको समझते हैं कहाँ पे कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पे है। ये कोल्ड डिजर्ट है, ठीक है, जैसे हिमाचल प्रदेश में नंदा देवी है आपका, उत्तराखंड में कंचनजंगा है, ये सिक्किम में, ये देहांग दिबांग है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये ईस्टर्न मोस्ट है ये बायोस्फीयर रिजर्व, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद मानस है ये असम में, डिब्रू सैखोवा भी असम में है, नोकरेक है आपका मेघालय में, सुंदरबन है आपका वेस्ट बंगाल में, सिम्प्लीपाल है उड़ीसा में, अचानकमर अमरकंटक है आपका मध्य प्रदेश में, पन्ना है मध्य प्रदेश में, पचमढ़ी है मध्य प्रदेश में, कच्छ है जो आपका ये गुजरात में, ठीक है, और शीशाचलम है आपका ये आंध्र प्रदेश में है, इसमें हम लोग देख रहे थे ये आपका ये इसमें बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, ठीक है। साउदर्न मोस्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है आपका ग्रेट निकोबार। अच्छा, इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि पोजीशन पूछ लेते हैं नॉर्थ से साउथ तक की, तो ये आप जरूर याद रखिए कि नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है, साउदर्न मोस्ट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट, ठीक है। तो सबसे साउथ में कौन सा है, गल्फ ऑफ ये सॉरी ग्रेट निकोबार है, उसके ऊपर है अगस्त्या वाला, उसके ऊपर है गल्फ ऑफ मंडोर, तो ये साउथ की पोजीशन है, ये एक्चुअली मैप में थोड़ा ऊपर नहीं होता, ये है मेन साउथर्न मोस्ट कौन सा है, ये वाला आपका ग्रेट निकोबार। इसको अगर थोड़ा सा आप मैप को ऐसे करेंगे, एक सेकेंड रुकिए, इसमें अगर आप थोड़ा इसको एक साथ देखने की कोशिश करेंगे तब यहाँ पे समझ में आएगा कौन सा नॉर्दर्न मोस्ट है। तो नॉर्दर्न मोस्ट आपका कौन सा हो गया, यहाँ पे कोल्ड डिजर्ट वाला हो गया, और साउदर्न मोस्ट हो गया ग्रेट निकोबार, ईस्टर्न मोस्ट हो गया आपका ये देहांग दिबांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में, और वेस्टर्न मोस्ट हो गया आपका ये गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक। तो ये हो गया, इसके बाद देखिए इसी को तीन चार तरीके से मैंने यहाँ टेबल में प्रस्तुत किया है जो कि देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, कैसे जरूरी है देखिए। पहली बात तो ये है इसमें टाइप लिखा हुआ है और प्लस किस स्टेट में है और क्या क्या वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, इसी को और भी उसमें लिखा हुआ है, देखिए हिंदी इंग्लिश मत करिएगा यहाँ पे, अब स्टेट का नाम अगर गुजरात है तो यार उसको चाहे जैसे भी लिख दो, इतना तो समझा करो यार प्लीज भैया जी बहनी जी। देखिए इसमें ये लिस्ट देखनी बहुत जरूरी है, ये लिस्ट एक बार जरूर देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए इसको, कि जैसे ग्रेट रेन ऑफ कच्छ है जो ये गुजरात में है, ठीक, गल्फ ऑफ बन्नार तमिलनाडु में, सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में, कोल्ड डिजर्ट है हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देखनी जरूरी है कि जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है ये कौन कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, ये वाली बात यहाँ पे समझने की जरूरत है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन कौन से स्टेट में है, तो तमिलनाडु केरल और कर्नाटक ये कुछ है जो ये आपको याद रखना, जैसे अचानक पर अमरकंटक ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में है, ठीक, ये अगस्त्या मलाई वाला जो है केरल तमिलनाडु दोनों में है, बाकी तो सब एक एक में ही है। तो ये इस टाइप से है कि डिजर्ट कौन सा है, कोस्ट कौन सा है, गंगटी डेल्टा कौन सा है, और प्लस इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट स्पीशीज कौन सी है, ग्रेट रेन ऑफ कच्छ है गुजरात में डिजर्ट टाइप है, इंडियन वाइल्ड लाइफ जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, कोस्ट का है ये, डुगोंग या फिर सी काउ जो होती है समुद्री गाय वो यहाँ पे बहुत फेमस है, सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में, दुनिया का सबसे बड़ा जो है डेल्टा है, और ये गैंगेटिक डेल्टा है, रॉयल बंगाल टाइगर बहुत फेमस है यहाँ पे। और अगर आप आगे की बात करेंगे यहाँ पे, ये देखिए ब्लर हो सकती है पिक्चर, लेकिन इसकी नेक्स्ट वाली जो है बिल्कुल क्लियर है, आप लोग पहले पूरा देख लीजिएगा तब कमेंट करिएगा, ये बड़ी बहुत बुरी आदत है आप बिना देखे कमेंट कर देते हैं। नंदा देवी जो है आपका उत्तराखंड में वेस्टर्न हिमालय में है, कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पे स्नो लेपर्ड बहुत फेमस है, फिर ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु केरल और कर्नाटक तीनों में है ये नीलगिरी, और ये सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आप याद रखिएगा 1986 में किया गया था, जरूर याद रखिएगा। ये आपका वेस्टर्न घाट का पार्ट भी है, नीलगिरी तार और लाइट टेल्ड मकाक ये यहाँ पे बहुत फेमस है, देहांग दिबांग जो है ये ईस्टर्न मोस्ट है अरुणाचल प्रदेश में है, ये पचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश में है आपका, जैटिस्कर और फ्रेंड्सगर यहाँ पे फेमस है, शीशाचलम हिल्स जो है ये आंध्र प्रदेश में है आपके, ठीक, सिम्प्लीपाल उड़ीसा में है, और यहाँ पे जो है ये वाइल्ड एलिफेंट हो गए, रॉयल बंगाल टाइगर हो गए, अचानक अमरकंटक के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में है, मैकाला हिल्स में है। ये भी पूछ सकते हैं कई बार कि कौन सा ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो मैकाला हिल्स में लोकेटेड है, अचानक पर अमरकंटक, मानस है असम में, गोल्डन लंगूर रेड पांडा बहुत ज्यादा यहाँ पे फेमस है, कंचनजंगा है सिक्किम में, स्नो लेपर्ड रेड पांडा हो गया, अगस्त्या मलाई ये है केरल और तमिलनाडु में, ठीक है,
इसके बाद है आपका ग्रेट निकोबार, आपका जो है ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल बहुत फेमस है, ऑयलैंड टाइप का है ये। नोक्रेक जो है आपका ईस्ट हिमालय में है, ये आपका मेघालय में है, डिब्रू सैखो आसाम में है, और पन्ना जो है आपका मध्य प्रदेश में केन रिवर के ऊपर है ये। टाइगर और ये सब चीजें यहाँ पे फेमस है। इसी को और दूसरी तरीके से देखते हैं, जो कि ट्रिक है क्या होती है बहुत जरूरी है। एक्चुअली ये तो होगा टोटल लिस्ट, ठीक है, ये टोटल लिस्ट देखिए, ये अच्छे से भी लिखा हुआ है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से किया गया है। सबसे पहले नीलगिरी बना था। अच्छा, इसमें एक चीज और है यहाँ पे कि जो बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है बहुत बड़ा एरिया होता है, क्योंकि इसका नाम ही बायोस्फीयर रिजर्व है। बायो का मतलब क्या हो गया आपका, लैंड वाला जो है कंपोनेंट, एयर वाला कंपोनेंट, वाटर वाला कंपोनेंट जहां पे मिलते हैं वो होता है बायोस्फीयर, ठीक। तो ये बायोस्फीयर मतलब कि बहुत बड़ा एरिया हो गया, इसमें कई सारे नेशनल पार्क हो सकते हैं, कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है। इसमें जो है कोर एरिया भी होता है, कोर एरिया मतलब जहां पे किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, फिर बफर एरिया होता है, फिर ट्रांजिशन एरिया होता है जहां पे थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें अलाउड होती हैं ह्यूमंस के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, ठीक है। ये डेफिनेशन हम देख चुके हैं पहले, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं उसमें, अभी सिर्फ हम लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात जो है फैक्ट है। तो नीलगिरी जो है आपका सबसे पहले बना था यहाँ पे, मैंने बता दिया आपको स्टेट तो बता ही दिया है, ये तमिलनाडु केरल और कर्नाटक में, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में बेसिकली, नोक्रेक आपका है, गैरो हिल्स का पार्ट है, ये जरूर याद रखिएगा। तो गैरो हिल्स का पार्ट है नोक्रेक, अभी हमने पोजिशन भी देखी थी, ठीक। ग्रेट निकोबार जो है आपका ये आपका अंडमान में है, और गल्फ ऑफ मन्नार है आपका ये जो गल्फ ऑफ मन्नार, ये मतलब इंडिया और श्रीलंका के बीच में है ये, ठीक है, ये वाली चीज आप देख लीजिएगा। इसमें फिर देखिए एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व, तो वो ग्रेट रेन ऑफ कच्छ है, ठीक, सबसे बड़ा ग्रेट रेन ऑफ कच्छ, और सबसे छोटा है डिब्रू सैखोवा, ये वाला सबसे छोटा है, ये असम में है, ठीक है, असम में है ये सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रेट रेन ऑफ कच्छ है। दिहांग देवांग जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये सब हम देख चुके हैं एक बार, फिर भी आप देख लीजिए, इसको देखना जरूरी है कि कहां कहां पे। सुंदरबन जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र जहां पे डेल्टा बनाती है वेस्ट बंगाल में, सिम्पलीपाल आपका मयूरभंज में है उड़ीसा में, ठीक है, दिहांग देवांग आपका अरुणाचल प्रदेश में, पचमढ़ी आपका जो है मध्य प्रदेश में, कंचनजंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कंचनजंगा हिल्स और सिक्किम में है, अगस्त्य मलाई जो है आपका केरल में है ये, ठीक है, केरल में है, वहां पे नेयार और पेपारा और जितनी भी शेंडुबरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो कई सारे हैं। अचानक पर अमरकंटक ये आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में है, ठीक। उसके बाद एक कच्छ है जो आपका ये सबसे बड़ा है, एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रेट रेन ऑफ कच्छ, ठीक है, ये वाला जो है गुजरात डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में है ये, कच्छ राजकोट और सुरेंद्रनगर और पठानसिंह डिस्ट्रिक्ट में है ये सबसे बड़ा है, डिब्रू सैखोवा सबसे छोटा है। तो ये दो गए सबसे बड़ा छोटा, ईस्टर्न मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट मैंने आपको बता दिया, साउथर्न मोस्ट आपका कौन सा है, ग्रेट निकोबार है, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट बता दिया, ये सब चीजें आपको थोड़ा सा देखना जरूरी है और देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आज भी ज्यादा इसमें नहीं बना पाया हूं, एक कल बनाऊंगा, कल काफी बड़ा वीडियो दूंगा, ठीक है। दिक्कत वही है ना कि अगर आपको बड़ा वीडियो देते हैं तो कहते हैं कि छोटे छोटे वीडियो दो, छोटे छोटे वीडियो देखते हैं तो कहते हैं कि बड़े बड़े वीडियो दो, तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है कई बार, ये इंपॉर्टेंट बात है आपको याद रखनी जरूरी है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, देखिए इसमें से 11 जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपके मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है यूनेस्को का उसमें है, अब 11 हो चुके हैं। तो ये वाली जो चीज है मतलब आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि बायोस्फीयर रिजर्व किस किस स्टेट में है, ठीक, प्लस उसके रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे बड़ा छोटा कौन सा है, नॉर्थ और साउथ और ईस्ट वेस्ट में कौन सा है, सबसे साउथर्न में कौन सा है। तो कई बार अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, अगर नॉर्थ से साउथ लगाने को आ जाए, ईस्ट से वेस्ट लगाने को आ जाए, तो एक बार मैप जरूर देख लीजिएगा जो अभी मैंने बताया था, पूरा वीडियो इसलिए देखिएगा, बाकी ये सब वही चीजें लिखी जो अभी हम लोग करवा चुके हैं, ठीक है, ये उसी को दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एक्चुअली एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट जो थी उसमें से लिखा हुआ है डायरेक्टली, तो ये मैंने लिया। अब ये देखिए 11 है गैप बायोस्फीयर रिजर्व जो आपके मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व वाले प्रोग्राम में है, ये कौन कौन से इसके एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडिया का वो नीलगिरी को रिकॉग्नाइज किया गया था, तो नीलगिरी सबसे पहले तमिलनाडु केरल कर्नाटक में है, ठीक है, फिर गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, सुंदरबन हो गया, नंदा देवी हो गया, फिर नोक्रेक हो गया, पचमढ़ी हो गया, सिम्पलीपाल, अचानक पर अमरकंटक, फिर ग्रेट निकोबार, अगस्त्य मलाई और कंचनजंगा, ठीक। अब ये लेटेस्ट में सबसे जो अभी लेटेस्ट है जिसको कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंडर में किया गया है वो कौन सा है आपका, वो है कंचनजंगा, ये वाला 2018 में इसको किया गया है, उससे पहले कौन सा है, अगस्त्य मलाई 2016 में। तो इसलिए ये जरूरी देखना है कि कौन कौन सी किस जगह, कंचनजंगा कहां सिक्किम में है, अगस्त्य मलाई केरल और तमिलनाडु में, ये चीज तो है लिस्ट। अब इसका देखिए याद करने की ट्रिक क्या है, इसको याद करने की ट्रिक ये कि आपको इसका पहला अक्षर याद होना चाहिए, जैसे नीलगिरी का एन है,
ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार का आपका जी है, जी से गल्फ, ठीक, सुंदरबन का है आपका एस, ठीक, नंदा देवी का है आपका एन, नोकरे का है एन, ठीक है, पचमढ़ी का है पी, ठीक, सिंपलीपाल का है आपका एस, ठीक है, फिर उसके बाद अचानक बार अमरकंटक की दो बार है यहाँ पे ए ले लो इसका, ग्रेट निकोबार में एन ले लो, अगस्त्या मलाई में ए ले लो, ठीक है, और फिर कंचनजंगा में के ले लो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसकी ट्रिक ये है, जो 11 बायोस्फीयर रिजर्व है, जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व वाले प्रोग्राम के अंडर में जो यूनिवर्सिटी वाला है उसके तहत कंसिडर किए जाते हैं, उसकी ट्रिक क्या है, 4N GKS और PAAS, ये ऐसी ट्रिक है, मतलब इसमें कई बार मैं ऐसी ट्रिक बनाता हूं, मैंने आपसे बोला है कई बार कि आप अपने रूम में ना एक ऐसा बड़ा सा चार्ट लगा लो, उसमें छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, ये जरूर एक बार लिख लो और ऐसे ही लिख लो, उसके बगल में उसका वो लिख लो, 4N से क्या हो जाएगा, 4 बार N, एक से नीलगिरी हो गया, एक से आपका नंदा देवी हो गया, एक से नौकरेक हो गया और एक से निकोबार हो गया, तो 4N हो गया, GKS यानी कि जी से गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, के से आपका कंचनजंगा हो गया, एस से आपका हो गया सुंदरबन, तो GKS PAAS, पी से क्या हो गया आपका पचमढ़ी, ए से हो गया आपका अचानकमार और ए से हो गया अगस्त्यामलाई और एस से हो गया सिंपलीपाल, इस तरह से याद रखते हैं आप अपने, और भी किसी भी तरह से ट्रिक बना सकते हैं। देखिए ट्रिक बनाने का सिंपल मेथड ये होता है कि जो चीज आपको बहुत प्यारी है, आप जैसे भी इंसान हो वो चीज वैसे ही याद रखनी चाहिए, इसमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो है, अगर मान लीजिए जैसे आपको कोई जो है गाली गलौज करने की आदत है, गाना गाने की आदत है, कुछ भी और आदतें हैं, उसी से उसको जो है रिलेट करके थोड़ा बनाया करिए, अपनी अगर खुद की ट्रिक बनाएंगे तो ज्यादा क्रिएटिव होगी एज कम्पेयर टू अगर किसी और की सुनेंगे, लेकिन फिर भी तब तक के लिए 4N GKS PAAS आप याद रख सकते हैं, ये